अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फ्रोस। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल का स्ट्रक्चर मॉडल। दोस्तों, जैसे आज की जो हमारा टॉपिक है ओवरलैपिंग करेक्शन एंड स्टिक्स के बारे में। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं बहुत कम यहां पे पुराना वाला रॉड नए रॉड से मिल रहा है, और यहां पे जॉगल भी दिया गया है। यहां पे भी देख सकते हैं ये वाला जो है 12 का है, ये वाला 16 का है, और वहाँ वाला पीछे देख सकते हैं वो वाला भी 16 का है। 16 के लिए 80 सेंटीमीटर 0.80 मीटर, 12 के लिए 0.60 मीटर, 45D और 50D बोल सकते हैं। तो वहाँ पे कैलकुलेट करें तो 0.80 मीटर हो जाएगा, 20 के लिए 1 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जितना हमें ओवरलैपिंग चाहिए वहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे शॉर्टर मिल रहा है। तो इन फ्यूचर में ये सेफ नहीं रहेगा, जब भी आप ऐसा प्रॉब्लम्स आता है तो बिफोर कास्टिंग दी स्लैब कास्टिंग करने से पहले आप क्या करना चाहिए, स्लैब डालने से पहले, छत डालने से पहले नेंटल लेवल के टाइम पे जो शॉर्टर आपको रॉड मिल रहा है वहाँ पे ओवरलैप कर लेना चाहिए नेंटल के टाइम पे, तो आपको बेटर रहेगा। अगर आप इसको वेल्डिंग कराएंगे तो मे बी चांसेस रहेंगे कि रेड्यूस ऑफ डायमीटर, जो स्टील का डायमीटर रहेगा रेड्यूस होने के चांसेस होंगे। तो आई विल टेल यू माई सजेशन, यू डोंट डू दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स एंड करेक्शन यूर ड्रीम हाउस। शॉर्टेज ऑफ द बार यू कैन प्रोवाइड दी ओवरलैप व्हेन दी नेंटल टाइम के टाइम पे आप यहाँ पे ओवरलैप करेंगे तो आपको बेटर रहेगा, ठीक रहेगा। तो ऐसा जो करेक्शन आप मत कीजिए, और मिस्टेक्स बोल सकते हैं मत कीजिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये वाले वीडियो में भी आप देख सकते हैं, इस तरह से मत कीजिए, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगा इन फ्यूचर में। सो आपको ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, वहाँ पे जाके सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड टेक्स्ट करके प्लीज़ सपोर्ट फॉर दी 10K सब्सक्राइबर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दी अवर यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड एंड क्लिक द बेल आइकन बटन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन। सो वी विल मीट यू न्यू वीडियो सून। लव यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। चलो।